हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनी रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरा मायके में फर्स्ट डे है और आज मॉर्निंग में ही हम बिना नहाए धोए जा रहे हैं खुशहाल के हेयर कट करवाने, क्योंकि हेयर कट करने के बाद नहाना ही है। इसी वजह से हम सुबह सुबह ही निकल आए हैं। तो बस यहीं नज़दीक में ही है नाई की शॉप, मतलब जो सलून है वो, तो यहीं करवाती हूँ मैं जब भी आती हूँ इसके हेयर कट। तो खुशू बैठ गया है हेयर कट करवाने और पहले तो मना कर रहा था कि नहीं करवाने, रोने लग गया था, पता नहीं क्या हुआ था इसको इस बार, पर फिर बैठ गया था, आराम से करवा रहा था, उसको भी मज़े आ रहे थे बाद में। तो और हेयर कट करवाने के बाद वैसे भी थोड़ा हल्का हल्का सा लगता है ना सिर, वरना भारी भारी सा लगता है। बस यहाँ पर उसके हेयर हमने छोटे छोटे ही करवा लिए थे, ज़्यादा बड़े कर, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो इसी वजह से छोटे छोटे हेयर कट करवा लिए थे हमने। अभी अभी आए हैं खुशू का हेयर कट करवा के और नहलाया है उसको। हेलो करो खुशू। हेलो। और उसको नाक पे दाना हुआ है, गर्मी निकली है। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, अभी टाइम हो गया 11 मॉर्निंग के और लेट हो चुका है आज। खुशू को मज़ा आ रहा है नानी हाउस बहुत ही ज़्यादा। तो अभी नहा लिया है मैंने और रेडी हो चुके हैं, मैं और पापा यहीं बैठे हैं, पापा बाहर बैठे हैं, थोड़ा सा उनको ना बाहर अच्छा लगता है तभी वो बाहर बैठते हैं, और मम्मी और दीदी अंदर है, खुशू यहाँ पे खेल रहा है। मैं आपको यहाँ के घर का भी हाउस टूर जल्द ही दूंगी, पर अभी तो रेगुलर व्लॉग्स ही आएंगे, जो रूटीन के होते हैं वही आएंगे। तो बस रेडी होके अभी बैठे हैं, अभी आंटी आ गए हैं खाना बनाने वाले, यहाँ पे कुक आते हैं क्योंकि दीदी की जॉब होती है तो वो नहीं बना पाते और मम्मी की उम्र की वजह से वो भी नहीं कर पाते। तो वो आंटी आ गए हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं और फिर खाना खाएंगे, अभी रेस्ट कर रहे हैं हम, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, जो सीरियल मैं देखती हूँ वही देखूँगी मैं। बहुत सारे दिन हो गए, अभी ब्रेक हो गया है तो हम सारे घर में वही देखते हैं, तो वो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो बैठे हैं। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, तो आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं। आपको मेरा होम टाउन जो है वो दिखाती हूँ, कैसा है कैसा नहीं आपको बता, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, यहाँ के व्यूज़, यहाँ की सारी बातें आपको मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलिए बाहर चलते हैं घूमने खुशहाल के साथ और दीदी के साथ। चलो क्यांगे बार कंचन बना कर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो घूमी चलते हैं। इसको रखाओ बुगी, इसको अंदर रखाओ गिर जाएगी, नानू को दे दो, नानू अंदर रख देंगे। आपको सैंडल पहनने
तो घर से निकलते ही हम एक मंदिर है रास्ते में, वही जाके रुके थे, मंदिर में दर्शन किए हैं। और ये देखिए हमें जहाँ जाना था वहाँ, ये यहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, वहाँ हम आते हैं शाम को। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा होता है, यहाँ पे बहुत शांति होती है। और नदी के आसपास पहाड़ भी है, और अभी शाम का टाइम है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा सा मौसम लगता था, बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं ना सुकून वाली जगह लगती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। तो बस हम यहाँ पहुँच गए हैं। चुके हैं हमारी जगह पे, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है। हम लोग मोस्टली शाम को यहाँ आते ही हैं, तो आप लोगों को व्लॉग्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये देखिए हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, और पीछे भी बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे ना। और मतलब छोटे टाउन में ना फ्रेश एयर बहुत अच्छी होती है ऐसे मतलब जगह पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और कौन कौन आप लोगों में से स्मॉल टाउन से हो मुझे ज़रूर बताना, मैं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर बैठ चुके हैं यहाँ पे, और अब जा रहे हैं यहाँ के पार्क में, जो गार्डन है वहाँ पर जाते हैं। और मेरी फ्रेंड है एक, वो अपने बेबीज के साथ वहीं आ रही है, बच्चे हैं उसके दो, तो उसके साथ वहीं आ रही है, और मेरी भी सवारी आ रही है पीछे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मेरी फ्रेंड आ चुकी है और मैं उसके साथ बातें कर रही थी, तब दीदी ने ही शूट किया था। तो ये बगल में उसकी लड़की खड़ी हुई है, और दोनों बच्चे खेल रहे थे। बाकी ये स्लाइड है, और ये स्लाइड इतनी पुरानी है कि हम जब छोटे थे तब बचपन में हम इसी पे मतलब खेला करते थे। और ये पूरी पत्थर की बनी हुई है, ये स्लाइड बहुत पुरानी है, कई बार तो ये रिनोवेट हो चुकी है, मतलब अच्छे से इसकी मरम्मत हो चुकी है, पर बहुत पुरानी स्लाइड है ये, इसके साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ हम घर आ गए हैं, और दीदी अब सब्जी को तड़का लगा रही है। तो यहाँ पे बैंगन आलू और ड्रमस्टिक की सब्जी बन रही है मिक्स,
बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाती है दीदी। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसने तेल डाल के तेज पत्ता और राई जीरा डाला था, और उसके बाद लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट डाला है, और बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, और उसको अच्छे से मतलब भूनना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक अच्छे से उसको भूनना है। दीदी के हाथ की सारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस वो अच्छे से भून जाए, फिर उसके बाद टमाटर डालना है बारीक कटे हुए, तो यहाँ पे वो उनको भी अच्छे से भूनना है। उसके बाद मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे सूखे पाउडर, सूखे जो गरम मसाले होते हैं, पाउडर होते हैं ना सूखे मसाले, वो डालने हैं, और नमक डालना है, और गुजरात का सबसे ज़रूरी आइटम है वो है चीनी। चीनी थोड़ी सी ज़रूर पड़ती है हर सब्ज़ी में, तो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालोगे तो चलेगा, पर ऑथेंटिक जो टेस्ट आता है वो चीनी से ही आता है। और बस यहाँ पे धो के सारी सब्जियाँ डाल दी है, इसमें ग्रीन जो दिख रही है वो ड्रमस्टिक है, काट के डाली हुई है, और कच्ची है, उबाल उबाल के नहीं डालनी है क्योंकि सीटी लगेगी कुकर में, प्रेशर कुकर में पक जाएगी वो। और बस यहाँ पे जितना आपको ग्रेवी चाहिए होती है उतना पानी डाल के इसकी आपको 3-4 सीटी डलवानी है। तो बस यहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो गई थी और हमने खाना खा लिया था। इधर देखो, खुशु मामू और मासी के साथ खेल रहा है, और मैं और मम्मी बैठे हैं अंदर रूम में। बस 10:30 बजे हैं, अब थोड़ी देर में सो जाएंगे, और खुशु अब प्ले करने बाहर गया हुआ है। खुशु इधर आओ, उसको अपने मामू के साथ ज्यादा मजा आ रहा है, खेल रहा है वो। और मैंने मम्मी की चूड़ी पहनी हुई है। तो ये वाले वीडियो को यही एंड करूंगी, आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर किया है, कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक करना, शेयर करना सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी नए व्यूअर्स है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए कल मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।